आचार्य चाणक्य हमारे इतिहास के एक ऐसे देवता हैं जो गंगा की तरह निर्मल और तलवार की तरह तिरछे हैं। उन सरीखा महापुरुष आज तक अन्य नहीं जन्मा। राजनीति में तनिक भी कुटिल, परंतु देश हित में कार्य करने और अपने निर्णयों का लोहा मनवाने वाले व्यक्ति को चाणक्य की उपमा दी जाती है। तो भी माना जाता है कि यह चाणक्य का शतांश भी नहीं होगा। बहुत दिन हुए भारतवर्ष में चाणक्य नाम के एक परम तपस्वी ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि ये विद्या के केंद्र तक्षशिला में रहने वाले थे। इनकी पत्नी युवा अवस्था में ही एक बालक छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। चाणक्य के इसी पुत्र का नाम इतिहास प्रसिद्ध आचार्य चाणक्य है। चाणक्य का बचपन का नाम कौटिल्य था। कौटिल्य बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और क्रोधी स्वभाव के थे तथा बाल जीवन में उनके साथी बालक उनका नेतृत्व मानते थे और उनसे डरते थे। पर कौटिल्य का नेतृत्व केवल इसलिए नहीं था कि वे क्रूर थे, बल्कि ये बात अधिक थी कि वे अपने सखाओं से अपने तन से भी अधिक प्रेम करते थे। कितनी ही बार वे उनके हित के लिए स्वयं को खतरे में डाल देते थे। बहुत बार उन्होंने आग में घुसकर अपने साथियों की सहायता की। पढ़ने लिखने में तो कौटिल्य बहुत ही तेज थे। छोटी अवस्था में ही उन्होंने अपने पिता से बहुत कुछ पढ़ लिया था। कौटिल्य के पिता चाणक्य मगध के राजा धनंद के यहाँ सम्मानित राज ब्राह्मण थे। धनंद की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मगध राज्य यद्यपि बड़ा दृढ़ और संपन्न राज्य था, तथापि धनंद बहुत ही विलासी और अपनी इच्छा का राजा था। वह जिसे जरा भी राज्य विरुद्ध पाता, उसी को सूली पर चढ़वा देता था। धनंद के एक परम कुशल मंत्री शक्तार थे। एक बार चाणक्य ने शक्तार के साथ मिलकर राज्य हित के लिए कुछ कुचक्र रचा, पर धनंद के बुद्धिमान अमात्य राक्षस की बुद्धि के कारण रहस्य खुल गया और इस विद्रोह के लिए धनंद ने ब्राह्मण चाणक्य को सूली पर चढ़वा दिया तथा शक्तार को परिवार सहित कैद में डाल दिया। जेल में एक एक करके भूख से बिलख बिलख शक्तार का सारा परिवार खप गया और प्रतिशोध की भावना के लिए सिर्फ शक्तार जीवित रहे। उधर पिता के वध का घाव हृदय में लिए कौटिल्य तक्षशिला महाविद्यालय में पढ़ते रहे। अध्ययन काल में कौटिल्य का नाम वात्स्यायन था। वात्स्यायन ने तक्षशिला में अध्ययन किया और फिर वहीं पर वे प्राध्यापक हो गए। वात्स्यायन जब आचार्य हुए तब उनका नाम आचार्य विष्णुगुप्त था। अध्यापन काल में वे विद्यार्थियों के ऐसे आराध्य रहे कि उनका प्रत्येक विद्यार्थी उनके वाक्य को ब्रह्म वाक्य मान उनके गुण गाता था। थोड़े ही दिन में विष्णुगुप्त की ख्याति ऐसी फैली कि बड़े बड़े युवराज उनके शिष्य होने तक्षशिला महाविद्यालय में आए। मगध, मालव, पंचनद, तक्षशिला आदि के राजपुत्रों ने आचार्य विष्णुगुप्त के चरणों में शिक्षा प्राप्त की। विष्णुगुप्त राजनीति, शास्त्र, साहित्य, विज्ञान, धर्म सभी प्रकार की शिक्षा देने में दक्ष थे। उन्होंने युवराजों को शिक्षा देने के साथ साथ वात्सल्य से अपने इतना निकट खींच लिया कि राजकुमार उनकी चरण धूलि को चंदन से भी श्रेष्ठ मानकर माथे पर मलने लगे। चाणक्य के इन प्रिय शिष्यों में चंद्रगुप्त नाम का एक नौजवान भी था जो शस्त्र विद्या में अद्वितीय था एवं सबसे अधिक गुरुभक्त था। आचार्य विष्णुगुप्त का भी चंद्रगुप्त पर अपार स्नेह था। एक दिन की बात है कि आचार्य विष्णुगुप्त पसीने में लथपथ घास उखाड़ रहे थे और जड़ों में मट्ठा डालते जाते थे। उधर से मगध के मंत्री से बंदी और बंदी से फिर मंत्री बनने वाले शक्तार कहीं से घूमते हुए आ निकले। एक काले और क्रूर ब्राह्मण का यह अद्भुत खेल देखकर आचार्य ने पूछा, यह क्या कर रहे हो महात्मा?
चाणक्य ने उसी तरह घास की जड़ों में मट्ठा डालते हुए कहा, ये घास मेरे पैरों में चुभकर मेरा मार्ग रोकती थी। मैं अपने रास्ते की बाधा हटा रहा हूँ और जड़ों में मट्ठा इसलिए डाल रहा हूँ कि घास फिर कभी पैदा ना हो। विष्णुगुप्त की ये रौद्र क्रिया देखकर शक्तार ने सोचा, ऐसा क्रोधी ब्राह्मण कहीं धनानंद से रुष्ट हो जाए तो यह उसके वंश तक का नाश कर देगा और मेरे प्रतिशोध की आग बुझ जाएगी। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के रूप में भगवान विष्णुगुप्त को पाकर शक्तार ने कहा, हे पूज्यवर, मैं मगध का मंत्री शक्तार हूँ। आप महान और दृढ़ ब्राह्मण हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि आप मगध की राज्यसभा में विद्वानों के अग्रसन को सुशोभित करें। मगध महाराज महानंद के पिता के श्राद्ध पर जो अग्रासन आभूषित करता है वही राज्य के विद्वानों में उच्च आसन पर विराजमान होता है। मैं आपको अग्रासन के लिए सादर निमंत्रित करता हूँ। विष्णुगुप्त ने सोचा, शत्रु के घर में घुसने का यह सरल अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। शत्रु को शत्रु बनकर नहीं मित्र बनकर सरलता से मारा जा सकता है, अतः निमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए। चणक पुत्र चाणक्य ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और शक्तार के साथ चल दिए। पर जब श्राद्ध के दिन महानंद ने एक काले और विकराल ब्राह्मण को अग्रासन पर विराजमान देखा तो जलकर राख हो गया और गरज कर बोला, यह किस काले भृंग को पकड़ लाए हो, निकालो इसे बाहर। इस पर चाणक्य ने नम्रता से कहा, विद्वान का सौंदर्य रूप नहीं गुण है, इस प्रकार विद्वान का अनादर ना करें, नहीं तो भस्म हो जाएंगे। चाणक्य के कथन ने अग्नि में घी डाल दिया। नंद ने क्रोध में धधकते हुए चाणक्य को धक्का दिया और चोटी पकड़कर खींचते हुए उसे मंडप के बाहर निकाल दिया। चाणक्य की चोटी खुल गई और उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक नंद का वंश सहित नाश कर उसके लहू से अपनी चोटी नहीं रंगूंगा तब तक यह शिखा खुली ही रहेगी। प्रतिज्ञा करके चाणक्य ने चंद्रगुप्त को, जो नंद की परित्यक्ता रानी मुरा का पुत्र कहा जाता है एवं उनका प्रिय शिष्य था, अपने साथ लिया और एक ठोस सेना का संगठन किया। साथ ही कूटनीति से मालव और पंचनंद को राज्य का लालच दे अपने साथ कर लिया। यही नहीं, चाणक्य ने नंद के घर तक में वह जाल बिछाया कि नंद को खबर तक ना लगी और वह चारों तरफ से फंस गया। और इस प्रकार चाणक्य ने नंद को वंश सहित मिटाकर उसे रक्त से अपनी चोटी रंगी और बांधी तथा चंद्रगुप्त को मगध के राज सिंहासन पर आसीन कर दृढ़ मौर्य राज्य की स्थापना की। यही क्या चाणक्य ने भारत को यूनानियों के आक्रमण से बचाया और सिकंदर तथा सेल्यूकस को ऐसा उत्तर दिया कि इतिहास में यूनान को भारत के सामने सदा नतमस्तक रहना पड़ेगा। सेल्यूकस ने हार कर अपनी सुंदर कन्या कार्नेलिया हेलन का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। अपनी बुद्धि से चाणक्य ने धीरे धीरे चंद्रगुप्त को भारत का केंद्रीय राजा बना दिया तथा चंद्रगुप्त का राज्य ऐसा शक्ति संपन्न एवं सुखमय बनाया कि प्रजा खुशी के गीत गाने लगी। चाणक्य के काल में भारत को विदेशी आक्रमणों का भय नहीं रहा, लोग खुले किवाड़ सोते थे, चोरों का भय नहीं था, अपराध के लिए चाणक्य के पास क्षमा का कोई स्थान नहीं था, सब ओर चाणक्य का ऐसा भय था कि कोई अपराध करता ही नहीं था। चाणक्य का दंड विधान बड़ा कठोर था। उनका रचा हुआ कौटिल्य अर्थशास्त्र राजनीति का एक बड़ा ग्रंथ है जिसमें राजा प्रजा पुलिस सेना विज्ञान आदि सभी का विधान है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में राजनीति के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन है। कहते हैं चाणक्य चंद्रगुप्त से लेकर उनके आगे की तीन पीढ़ियों तक मगध राज्य के महामंत्री रहे और उनके काल में भारत महान बना। पर जो साहित्य चाणक्य पर मिलता है उससे पता चलता है कि चाणक्य ने मगध के सुयोग्य मंत्री राक्षस को ही अपनी उदारता और बुद्धि से महामंत्री बनाया और स्वयं
कुटिया में रहकर देश की महान सेवा की। चाणक्य इतिहास के वे अमर देवता हैं जिन पर बहुत सा साहित्य रचा जा चुका है और रचा जाएगा। श्री के एम मुंशी का भगवान कौटिल्य, डॉक्टर सत्यकेतु का आचार्य चाणक्य, हरि नारायण आपटे का चाणक्य और चंद्रगुप्त, रघुवीर शरण मित्र का आग और पानी आदि चाणक्य पर कितने ही प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इस पर चाणक्य ने बुद्धि बल से भारत में दृढ़ साम्राज्य स्थापित कर भारत को महान बनाया। उनका चरित्र फूल से कोमल और वज्र से कठोर है। उनका इतिहास अद्भुत और उपयोगी है। वे विश्वस्त से विश्वस्त पर भी विश्वास नहीं करते थे। वे कहते थे कि महान उद्देश्यों के लिए जैसे भी हो सफल बनो, तुम समष्टि के लिए आस्तीन के सांप भी बन सकते हो, जैसे भी हो सिद्धि पाना ही मनुष्य का धर्म है। समष्टि की कुरीतियां मिटाने के लिए तलवार की काट इतनी आवश्यक नहीं जितनी बुद्धि की तराश चाहिए। आज भी मनुष्य को किसी ऐसे ही चाणक्य की आवश्यकता है जो अपनी साधुता से पिसती हुई मानवता को बचा सके।